सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज रिएक्शन करने वाले हैं गेस द एज ऑफ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस इन 10 सेकंड्स। तो हमें ये वीडियो भी हमें हमारी फॉलोअर हीरा उन्होंने बना कर दिया। जैसे लास्ट वीडियो आपने देखा था टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ को हमें पहचानना था, वो वीडियो पे भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। आई थिंक हीरा यू शुड ओपन अवर न्यू यूट्यूब चैनल। एंड मैंने उनको बोला कि आप यूट्यूब चैनल ओपन करो, बट उन्होंने बोला नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ ये वीडियो। और उन्होंने मुझे पर्सनली ये वीडियो बनाकर सेंड किया और उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं देखना, पहले पिछले की बार की वीडियो जब बनाओ तभी देखना। तो देखने वाले देखते गेस कर पाते या नहीं हम एज, तो शुरू करते हैं। Guess the age of Pakistani actress in 10 seconds. Aisha Omar. क्या लगता है कितनी एज होगी तेरी? 22 मुझे लगता है 26 होगी। 39 years. चौदह मेरा ज्यादा क्लोज था, पर ये बहुत नहीं मेरा ज्यादा क्लोज। अरे बहुत, चल ठीक है, चल ठीक है, तू मेरा 1.1 39 मेरे 26 से बहुत ज्यादा है, पर 39 इनको तो हमने टाइम, मुझे लगता है इनकी एज ज्यादा होगी, 34 मुझे लगता है, 31 32 या 34 31 37 एक पॉइंट इसका हो गया। चलो, लेकिन यार लगती नहीं है बिल्कुल 37, ठीक है, पर मैं भी शायद काफी पुराना, मुझे डर भी लगता है लड़कियों की एज ज्यादा बोलने में, वो भड़क जाती है। नेक्स्ट माहिरा खान, ये तो काफी पॉपुलर है, काफी पुराने टाइम से है, तो मुझे लगता है 35 होगी इनकी एज। दिखती नहीं वो अलग बात है, लेकिन 36 मुझे लगता है 36 एग्जैक्ट नंबर। सो 2 पॉइंट मेरा, एक माहिरा खान ये भी काफी टाइम से। I think she's 34 मुझे 36 कहूंगा मैं, मुझे 34 देखते हैं 36 चलो 22 अभी टाई चल रहा है 36 सबक कमर। इनका बागी ड्रामा बहुत कमाल का था, बागी रेशम खान, इनको मैंने कभी नहीं देखा। 38 मुझे 40 प्लस लग रही है, मुझे लगता है 41 52 यार, माय गॉड यार, 52 तो नहीं बोल सकते इनको। नहीं यार, वैसे इनको अगर ये अभी का फोटो है तो मैं नहीं मानता, मम्मी का रोल में तो नहीं आती है ड्रामास में लोगों के, हो भी सकता है। ज़ारा शेख ऑलमोस्ट 29 मेरे हिसाब से, 29 मेरे हिसाब से, मुझे लगता है 32 42 भाई मारो मुझे मारो क्या है भाई, नहीं लग रहा है, कैसे कर ले तो, कैसे इतना फिट रह लेते हो यार। मैं ज्यादा बोलूंगा सब, ये मेरा पॉइंट था। हाँ, तेरा पॉइंट है, मेरे चार हो गए, तेरे चार मेरे दो। ओके नेक्स्ट, आयजा खान ये तो बहुत यंग दिखती है, मुझे लगता है 26 आई थिंक 29 दो एग्जैक्ट हो गए तेरे, ये वैसे ही मेरे 4 एग्जैक्ट 3-4 लेकिन मेरे दो एग्जैक्ट और तेरा एक एग्जैक्ट है। हाँ ये भी सही है, आयजा इज आयजा बहुत यंग लगती है ना, मौरा हुसैन ये ज्यादा नहीं होंगी, तो बहुत ही यंग लगती है मुझे लगता है, है या नहीं वो भी कम, आई थिंक जल्दी जल्दी 3-4 मेरे बराबर तो होगी 25 साल मैं 27 27 28 मेरा सही निकला बिल्कुल, मुझसे बड़ी है यार 28 ओके 4-4 हो गए। So, अब दो और बचे हैं। इनका मूवी देख रही है सनम तेरी कसम, उसमें तो ऐसा लग रहा था मुझे कि 18 साल की महनू बलोच बहुत ब्यूटीफुल है यार, लेकिन एज इनकी मुझे लगता है 33 के अराउंड हो सकती है, मैंने सोचा आई थिंक 50 यार ये इनको तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, नहीं ये 50 साल की, नहीं झूठ मत बोल, ये गलत तो नहीं है, साथ में इनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है 14 जुलाई 1970 50 साल
जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लगता है 42 हमें इतना याद नहीं रहता। सजल अली, सजल अली, लेट्स सी, ये तो काफी यंग होगी मुझे लगता है 27 आई थिंक 31 26 चलो मैं क्लोज यार मैंने तुक्का मारा था 27 बोला था जो चल रहा है ना गेम उस वजह से ये बात भी सही है गेम जीतने के चक्कर में दिख नहीं रहे हो पर है बहुत ज्यादा एज दिख कोई भी नहीं रहा है मुझे पता है कि काफी यंग है नए एक्टर्स एमन एमन खान अब बताओ जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से बोलो या जो दिल बोल रहा है वो आई थिंक 27 मैं बोलूंगा 25 21 नो चलो ये पहले एक्टर से जिसका हमने ज्यादा बताया मतलब क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है सो यू आर द विनर हां तो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे सो अगला कौन होगा देखते अभी है और हां और ओ सना जावेद आप बता कहानी अब तू फंसेगा ये मुझे लगता है 28 31 27 8 6 अगेन यार नो खानी ड्रामा में देखा था इनका खानी ड्रामा बहुत कमाल का ड्रामा और इनकी एक्टिंग खानी से इनका फैन हो गया था मैं कितने फोटोज हैं खानी पे रिएक्शन किया था ना अपन ने नीलम मुनीर अब बता ये मेरे ख्याल से कम मुझे 30 प्लस लग रही है 30 प्लस है 34 तो मानने मेरी तरफ से 36 35 क्लोज है दोनों टाई चलो हटाओ इसको टाई टाई ये दोनों को एक एक पॉइंट दोनों का एक एक पॉइंट चलो वही रहने हटा देते हैं 86 ओके इनको भी हमने देखा था कहीं दीप जले हीरा मानी जा तुझे माफ किया तुझे याद रहेगा हीरा मानी की एज हम मान लेंगे मुझे लगता है 20 जल्दी इनके बच्चे भी है 31 32 इनके बच्चे भी 31 मेरा सही अरे चलो 7 8 7 8 इनके बच्चे भी मुझे बाद में आ रहा है तो फिर मैंने वो थोड़ा बढ़ा दिया पहले मैंने 28 बोला था क्योंकि मैं इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था तो जरा नो ये जरा तो काफी यंग लग रही है ये मुझे भी बहुत यंग लग रही है आई थिंक 27 मुझे लगता है 23 30 यार बहुत यंग लग रही है मुझे मैं तो 18 लग रही थी फिर भी मैंने ज्यादा बोला हाँ यार ये बहुत यंग लग रही है ना मेरा सबसे पहले वर्ड यही था कि काफी यंग लग रही है हाँ बट ठीक है 30 खतरनाक सो अभी टाई हुआ है ना टाई हो गया लव फ्रॉम ओह टाई अच्छा वीडियो हो गया और हो गया लव फ्रॉम टाई हो गया मैं सोच रहा था कि कुछ पनिशमेंट रख लेंगे हम बट टाई हो गया कोई पनिशमेंट रहेगा नहीं ना मैं जीता ना तू हारा हाँ वैसे हमने काउंट तो सही करा ना हाँ काउंट सही किया है आई थिंक ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हमने सही काउंट किया अगर गलत किया वैसे भी तो नंबर डाले गलत किया तो मैं वीडियो एडिट करूंगा तो आपको दिख जाएगा तो अगली वीडियो में पनिशमेंट देख लेंगे सही बट यार बट मुझे लग रहा है कि अपन ने टाई हुआ है अपने बीच में टाई ही हुआ है मुझे भी लग रहा है और कोई कोई एक्ट्रेस बाकी यार एक वो 52 मैं यकीन नहीं कर सकता लग ही नहीं रहा था यार 52 सबसे पहला फोटो ही शॉक आयशा उमर हाँ सबसे पहले ही फोटो अपने लिए शॉक था जो आयशा उमर है वो काफी ज्यादा मतलब फैशनेबल है ज्यादा वो मुझे और ज्यादा मतलब 29 मान लो 32 31 मान लो बट जो शॉक लगा उसके बाद वो तो खतरनाक ऐसे ही सारे फोटो लगभग शॉक थे एक ही हीरोइन थी जिनके एक्ट्रेसेस थी जिनको हम बोल सकते थे कि हाँ भाई ये इनकी उम्र हमने ज्यादा बोल दी और वो कम थी और वो हमने तुक्का लगाया था क्योंकि अभी गेम ऐसा चल रहा था कि हम कम बोल रहे थे और ज्यादा निकल रहे तो फिर हमने बाद में ना बढ़ा दी एक बात बोलूं एग्जैक्ट मेरे ज्यादा निकले हैं अगर देखा जाए एग्जैक्ट नंबर वो मेरे एग्जैक्ट नंबर निकले सेम एग्जैक्ट नंबर मैच मिले और तेरा सिर्फ एक निकला है एग्जैक्ट नंबर बट जो भी है काफी शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं आयशा उमर 39 इयर्स की थी हमने 27 कुछ गेस किया था ना सो तू सजा सोच रहा था ना तो अपने आप को दे सकता है सजा रे कोई सजा वजा नहीं हाँ अपनी बारी ऐसी कोई बात नहीं थी एग्जैक्ट नंबर वाली कोई बात ही नहीं थी पॉइंट्स की बात थी यार जब
अच्छा कोई मैच होता है, देखो मैच होता है तो उसमें अगर टाई हो जाता है तो सुपर ओवर होता है, नहीं 100 रन से भी जीतो तो जीत होती है, नहीं जब टाई हो जाता है ना तो सुपर ओवर होता है, तो हम इसको सुपर ओवर समझ सकते हैं एग्जैक्ट को, इसमें कोई डार्क मतलब नहीं है। बाकी रेशम खान वाला बहुत खतरनाक लगा था, वो सच में शॉकिंग 52 और एक और थी रेशम खान के अलावा भी एक और थी, वो मैं देख के बताता हूँ, उनका तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, इनकी बात कर रहे हैं जो सेकंड लास्ट थी जो 50 इयर्स की थी। हाँ समझ गया, तो यार वो तो सच में बिल्कुल यंग नौरी थी, और उनका नाम क्या था, मायनूर बलोच, मुझे तो ये 27-28 की लग रही थी, बट ये 50 इयर्स मुझे लग रहा है कि अभी भी मतलब, और ये फोटोज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं कि पुराने फोटोज लगा दिए, सब रीसेंट लेटेस्ट फोटो शॉट्स के फोटो हैं, फोटोज लगाए, तो बहुत शॉक है यार, बहुत शॉकिंग था हमारे लिए जाना, बट सही है, बट यार इनको सैल्यूट है यार, कितना अच्छे से ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी को, कि यार लगता ही नहीं है, और एक्टर्स का मुझे लगता है यही काम होता है, निकल जाने दो भाई को, मुझे लगता है एक्टर्स का यही काम होता है कि उनको अपने आप को दिखाना, फिट रखना, तो वो उसमें परफेक्ट उनको होना ही चाहिए, ये बात तो सही है, बहुत सारे एक्टर्स अपनी बॉडी पर अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि उनका, उनका जो काम है, काम का हिस्सा है वो, और वो होना चाहिए, तो अगर वो चीज हमारे काम का हिस्सा रहे तो फिर बनता है, बाकी हमें बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी बोला आज बहुत ज्यादा मजा, बहुत मजा आया, थैंक यू हीरा, करिए तू हार गया था, तुझे सजा लेनी चाहिए थी यहाँ पर, कि अगर मैं हारता तो तू पक्का कुछ ना कुछ सजा, तो सोच अब पहले से हम डिसाइड करके देखें, अगला कोई वीडियो अगर हीरा हमें बना कर देती है तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे भाई, जो भी हारेगा उसको ये पनिशमेंट करना है, पनिशमेंट ऐसी हो जाए कर सकते ऑनलाइन, पता चले तू ऐसी पनिशमेंट दे दे जो मैं कर भी ना पाऊं या तू भी ना कर पाए, तू भी बोलो यार मैं दे देते पनिशमेंट वाला किस्सा हटा देते हैं यार, वो थोड़ा चीटर है यार। सही है, तो देखते यार, हीरा को मैं थैंक यू बोलूंगा एक बार फिर से, हीरा कुछ और ऐसा नया बना के भेजो ना प्लीज, और हाँ अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो बिल्कुल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि क्या कमाल का वो लाए हैं ये, बोलना बहुत कमाल आइडिया, मैंने उनको बोल दिया था कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, हीरा की एज हमसे कई ज़्यादा है, मतलब हम बहन मानते हैं उनको, मतलब 33 कुछ समथिंग है, बट बस सब्सक्राइबर बहुत पुरानी है, हाँ बट हमारी काफ़ी ओल्ड पुराने टाइम से, मतलब जब हमारे चैनल शुरू हुआ, शुरू ही हुआ था 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे हमारे, तब से है वो, और तब से ही हमारे कांटेक्ट में भी है, धीरे धीरे खुल रहा है वो, तो खुलेंगे अभी, तब से हम बात करते हैं उनसे, एक्चुअली वो बंदा, ये बंदा उनसे बात भी करता है, तो करता ही हो ना, तभी तो उन्होंने बहुत ज्यादा बात करता है, तो मेन बात ये है कि यार हमने जब नया चैनल शुरू करा था, हमारे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, कोई जानता नहीं था हमको, तो हम सभी सब्सक्राइबर्स का रिप्लाई करते थे, क्योंकि सब 2-4 मैसेजेस आते थे, 2-4, 10-20 मैसेज आ जाते थे, लेकिन अब हजारों में हो गए तो कर नहीं पाते रिप्लाई, यार ये देखो आप फॉलोवर नहीं है बट फिर भी मैसेज आते हैं, डीएम आ जाते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, तो एक चीज है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा होता है, इस टाइप के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताओ, अच्छा ये बताओ इस टाइप के वीडियोस अगर आते हैं, यानी कि हम हीरा को, आप लोग भी बोलिए अगर हीरा ये चैनल शुरू करती है तो आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता लीजिए, राइट, और आपका आइडिया, आपको अगर इस टाइप का कोई आइडिया हो तो आप भी वीडियो भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप इस टाइप के वीडियो बनाओ, तो हम हीरा को सजेशन देंगे, हाँ दैट इज हीरा, कमेंट जरूर पढ़ना हमारे, हाँ तो आपको अगर मतलब इस तरह का कोई वीडियो का आइडिया हो तो कमेंट करके बता देना हमको, फिर वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।